नमस्कार, मैं हूं मेघ शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है यूपी की, जहां यूपी के मथुरा से एनकाउंटर का एक मामला सामने आया है। थाना हाईवे इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी पकड़ा गया। उसके पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि थाना हाईवे के पास NH2 पर बाजना पुल के पास से वृंदावन के रहने वाले नरसिंह से दो बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर मोबाइल और 2000 रुपये लूट लिए थे, जिसकी खबर पीड़ित ने पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से घटना की जानकारी की, जिसके बाद क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने इलाके में चेकिंग शुरू कर दी। सुबह के करीब 2 बजे भरतपुर रोड पर पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, तभी दो बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस के रोकने पर लुटेरों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश के पैर में गोली मार दी। बाइक पर दो बदमाश सवार थे, जिसमें से मुठभेड़ के दौरान इरफान उर्फ दाऊद के पैर में गोली लगी है, जो सुल्तानपुर थाना सुरीर मथुरा का रहने वाला है। इसका दूसरा साथी वीरेंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। शातिर लुटेरे के कब्जे से पुलिस ने 2000 रुपये, मोबाइल और एक बाइक के साथ अवैध हथियार भी बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए शातिर लुटेरे के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है और यह भी पता कर रही है कि इन शातिर लुटेरों ने किन किन घटनाओं का अंजाम दिया है। वहीं इरफान उर्फ दाऊद के भागे हुए साथी वीरेंद्र की भी तलाश में पुलिस लगी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। ये अभी थाना हाईवे पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त, जो कि जिसने अपना नाम इरफान उर्फ दाऊद बताया है, उसे गिरफ्तार किया है और उससे लूट का एक मोबाइल और 2000 रुपये बरामद हुए हैं। ये जो लूट है, ये अभी 10 बजे करीब हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजना कट के वहाँ पर हुई थी और उसी के बाद ये लूट दो व्यक्तियों के द्वारा, एक मोटरसाइकिल जो कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है उसके द्वारा तमंचे के बल पर एक मोबाइल और 2200 रुपये लूटे गए थे। उसी के बाद लगातार पूरे जनपद में चेकिंग के आदेश दिए गए थे और यहीं भरतपुर रोड पर भी थाना हाईवे पुलिस द्वारा बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जब ये मोटरसाइकिल में जो सवार व्यक्ति है, जब बैरियर्स के पास में जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो रुका नहीं और साइड में जाकर उसने अपनी मोटरसाइकिल गिरा दी और पुलिस के ऊपर वो अंधाधुंध फायर करने लगा। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिससे कि उसके दाहिने पांव में गोली लगी है। तुरंत पुलिस ने उसको अस्पताल भेजा है और उसी से एक मोबाइल और जो लूट के पैसे हैं वो बरामद हुए हैं, जो कि वादी ने तस्दीक किए हैं। और जो ये क्रिमिनल है, इसका नाम इमरान इरफान उर्फ दाऊद है और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की जा रही है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।